बदलते ही बदल गया कर्नाटक का माहौल। कांग्रेस के आते ही गूंजने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में भी कांग्रेस की जीत का मन रहा जश्न। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कांग्रेस की जीत पर जताई खुशी। अब राहुल को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है एक्ट्रेस। सत्ता में आई कांग्रेस तो क्यों खुश हो रहा पाकिस्तान? कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कद्दावर नेताओं ने जहां पूरी ताकत झोंक दी थी, रैलियों से लेकर जनसभाओं तक तमाम चुनावी कार्यक्रम किए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बाहर से भी कांग्रेस को खूब समर्थन मिल रहा था। खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो लोग सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे। और आज जब कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता मिल गई तो कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में भी कांग्रेस की जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। दरअसल ये बात तो हर कोई जानता है कि जब से देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी आए हैं, पाकिस्तान तो जैसे बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये मोदी सरकार ही है जिसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई की। ये मोदी सरकार ही है जिसने कश्मीर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की कमर तोड़ कर रख दी। ये मोदी सरकार ही है जो पाकिस्तान परस्त आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रही है। इसलिए पाकिस्तान के लोग मोदी से नफरत करते हैं, और ये नफरत इस कदर है कि अब तो कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी लोग वोट तक मांग रहे हैं जिससे बीजेपी चुनाव हार जाए। दरअसल 10 मई को जब कर्नाटक में वोट डाले जा रहे थे, तो इसी दौरान पाकिस्तान की एक्ट्रेस सहर शिनवारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस के लिए वोट मांगती नजर आई। वोटिंग से पहले 8 मई को एक ट्वीट में सहर शिनवारी ने लिखा, अगर कर्नाटक के लोग 10 मई को कांग्रेस को वोट देते हैं और श्री राहुल गांधी जी को 2/3 बहुमत से जिताते हैं, मैं कन्नड़ लोगों को लंच पर लाहौर आमंत्रित करूंगी। 9 मई को किए गए एक ट्वीट में सहर शिनवारी ने लिखा, हिंदुस्तान को मोदी और योगी जैसे अतिवादी बूढ़ों की जरूरत नहीं, बल्कि श्री राहुल गांधी जी जैसे युवा नेताओं की जरूरत है जो युवा पीढ़ी की समस्याओं को समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। एक और ट्वीट में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी ने लिखा था, कुछ भी कर लो आएगा तो राहुल गांधी ही। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाली पाकिस्तान की एक्ट्रेस सहर शिनवारी चुनावी नतीजों के बाद तो मानो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। इसलिए कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तानी लोग भी खुश हो रहे हैं। सहर शिनवारी ने तो कांग्रेस की जीत के बाद एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए सहर शिनवारी ने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस की ये जीत सच में पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद वाली जो वीडियो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी ने शेयर की है, वो दरअसल कर्नाटक के बेलगावी जिले के तिलकवाड़ी पुलिस थाने की बताई जा रही है, जहां मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान यहां उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की जीत शुरू हुई तो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मामले में फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुश हो रही सहर शिनवारी के बारे में एक बात और आपको बता दें, उनका ख्वाब है एक दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना। इसलिए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरे सभी भारतीय प्रशंसकों से मेरा वादा है कि मैं 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आऊंगी। वैसे एक बात और आपको बता दे, ये वही एक्ट्रेस है जिसने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल के लिए पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया था, और अब यही पाकिस्तानी एक्ट्रेस राहुल गांधी को पीएम बनते देखना चाहती है।